हमें 27 अप्रैल की सुबह सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम रॉब नाम के एक आदमी को देखते हैं जो कि मेन कैरेक्टर है। वो एक वीडियो बना रहा होता है और उसके साथ में उसकी गर्लफ्रेंड बेथ भी होती है और दोनों काफी खुश नजर आ रहे थे, जिसके बाद में वो दोनों ही कोनी आइलैंड जाने की बात करते हैं। खैर, अब एक महीने बाद की रिकॉर्डिंग हमको दिखाई जाती है जिसके अंदर रॉब का भाई जेसन और उसकी गर्लफ्रेंड लिली होती है जो कि किसी दुकान से सामान खरीद रहे होते हैं। जेसन और लिली रॉब के लिए सरप्राइज पार्टी ऑर्गेनाइज करने वाले थे क्योंकि रॉब को जापान की एक कंपनी में वाइस प्रेसिडेंट का जॉब मिल गया था और वो कुछ ही दिनों के बाद में जापान जाने वाला था, जिसके बाद वहाँ से ये लोग घर चले जाते हैं। अब आगे पार्टी में जेसन उसकी वीडियो बनाने के लिए उसका कैमरा अपने दोस्त हडसन को दे देता है क्योंकि जब वो जापान जाए तो उसे ये पार्टी हमेशा याद रहे। हडसन अब कैमरा से सभी दोस्तों के पास में जाता है और रॉब के लिए गुड बाय मैसेज रिकॉर्ड करने लगता है। अब उस पार्टी में लिली की दोस्त मार्लिना भी थी जिसको हडसन लाइक करता था लेकिन उसको बोल नहीं पा रहा था। वो उसके पास भी जाता है और रॉब के लिए एक मैसेज भी देने को बोलता है। अब उसी वक्त रॉब की गर्लफ्रेंड बेथ एक लड़के के साथ पार्टी में आती है और रॉब उसे ग्रीट करता है और यहाँ से हम ये जान पाते हैं कि रॉब और बेथ के बीच कुछ टेंशन चल रही है। रॉब अब बेथ को साइड में बुलाता है और दोनों के बीच में उस लड़के को लेकर आर्ग्यूमेंट्स होने लगती हैं। रॉब बेथ को दूसरे लड़के के साथ देखकर गुस्सा करता है, इस पर बेथ भी उसको ये कहती है कि रॉब ने उसे पिछले एक महीने से कॉल ही नहीं किया और दोनों इन सब बातों पर बहस कर लड़ने लगते हैं। हडसन को ये सब रिकॉर्ड करते देख लिली उसे अंदर बुलाती है। रॉब और बेथ के बीच में आर्ग्यूमेंट का कारण जानने के लिए लिली से हडसन और जेसन पूछते हैं और तब जाकर लिली उनको ये बताती है कि बेथ और रॉब यहाँ पर रिलेशनशिप के अंदर नहीं है और ऐसा इसलिए क्योंकि वो जापान जाने वाला है और बेथ उससे काफी गुस्सा है। ये दोनों ही कॉलेज से एक साथ थे लेकिन फिलहाल ये दोनों अलग हो चुके हैं और रॉब यहाँ पर बेथ से इसलिए लड़ाई कर रहा था क्योंकि इतनी जल्दी वो एक नया लड़का कैसे ढूंढ सकती है और उसकी ही फेयरवेल पार्टी पर वो किसी नए लड़के को लेकर आई है। अब हडसन इस बात को बाकी फ्रेंड को भी बताता है, जिसके कुछ देर के बाद में बेथ पार्टी से बाहर चली जाती है और हडसन और जेसन रॉब से बात करने लगते हैं। जेसन ये कहता है कि बेथ एक अच्छी लड़की है और वो तुमसे प्यार करती है। तभी अचानक से उसी वक्त बाहर बहुत जोर का अर्थक्वेक आता है और लाइट बंद चालू होना शुरू हो जाती है। सभी लोग टेरेस पर जाकर देखने लगते हैं कि आखिर हुआ क्या है। उसी वक्त एक एक्सप्लोजन दिखाई देता है और तभी सभी लोग नीचे आने लगते हैं। रॉब, जेसन, लिली, हडसन और मार्लिना साथ में होते हैं। तभी स्टैचू ऑफ लिबर्टी के ऊपर का हिस्सा नीचे आकर गिरता है और तभी बिल्डिंग के आसपास एक मॉन्स्टर दिखाई देता है। वो बहुत तेजी से लिली की तरफ बढ़ने लगता है जिससे सभी लोग घबरा जाते हैं और एक स्टोर में घुस जाते हैं और वहां पर छुपने लगते हैं, जहां पर वो लोग उस मॉन्स्टर के चिल्लाने की आवाज सुनते हैं और वो मॉन्स्टर वहां पर तोड़फोड़ मचाने लगता है। कुछ ही देर के बाद में वो मॉन्स्टर वहां से चला जाता है और ये लोग स्टोर से बाहर आ जाते हैं। बाहर सब कुछ तबाह हो चुका था और सब लोग पैनिक करने लगते हैं। तभी जेसन ये कहता है कि हमें ब्रिज के पार चलना चाहिए जहाँ पर ब्रुकलिन सिटी है और फिर ये लोग ब्रुकलिन सिटी की तरफ बढ़ जाते हैं। अब कुछ ही समय के बाद में ये लोग ब्रिज तक पहुँच जाते हैं और तभी रॉब को बेथ का फोन आता है तो उससे वो पूछता है कि वो कहाँ पर है और वो कैसी है। अब रॉब के साथ में यहाँ पर लिली, हडसन, मार्लिना भी रुक जाते हैं लेकिन जेसन आगे बढ़ने लगता है। तभी अचानक से ही वहाँ पर मॉन्स्टर आता है और ब्रिज पर हमला करके उसको तोड़ देता है, जिसकी वजह से जेसन यहाँ पर मारा जाता है। अब जेसन को मरता देख उसका भाई रॉब और उसकी गर्लफ्रेंड बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाते हैं। मॉन्स्टर की वजह से हडसन उन लोगों को वहाँ से निकलने के लिए बोलता है। फिर आगे रॉब एक स्टोर में एक फोन की नई बैटरी लेने जाता है। हडसन उसके पीछे जाता है और टीवी पर न्यूज देखने लगता है। उसे टीवी में वही मॉन्स्टर भी दिखाई देता है जहाँ पर उसके अंदर से कुछ क्रिएचर्स भी निकल रहे होते हैं जो कि आई एम श्योर कि उसके ऑफस्प्रिंग्स होंगे और वो यहाँ पर क्वीन मॉन्स्टर है। और वो जो क्रिएचर्स होते हैं वो आर्मी और सिविलियंस दोनों पर ही हमला कर रहे थे। उसी समय रॉब अपना फोन ठीक कर लेता है और बेथ के वॉइस मैसेज को अच्छे से सुनता है। वो ये बताती है कि वो अपनी बिल्डिंग के अंदर ही है जहाँ पर अपार्टमेंट गिरने की वजह से वो वहाँ पर फंस गई है और वहाँ से हिल नहीं पा रही। मार्लिना और हडसन के समझाने के बाद भी रॉब उसे बचाने के लिए उसके अपार्टमेंट की तरफ जाने का डिसाइड करता है। इसकी वजह से बाकी लोग भी जाने के लिए रेडी हो जाते हैं। जिस जगह पर मॉन्स्टर ने पहली बार अटैक किया था उसी जगह पर बेथ का अपार्टमेंट होता है। अब आगे हमको दिखाया जाता है कि आर्मी मॉन्स्टर से बचने के लिए शहर को खाली करा रही होती है। यहाँ पर बाकी लोग दूसरे शहर की ओर जा रहे होते हैं लेकिन तभी एक सुनसान राह पर वो मॉन्स्टर इन लोगों पर हमला कर देता है। तभी मिलिट्री वहाँ पर आ जाती है और उस मॉन्स्टर पर अटैक कर देती है। तभी मौका पाकर ये सारे लोग मॉन्स्टर के नीचे से निकलकर एक सबवे में घुस जाते हैं। अब थोड़ी देर वहाँ रुकने के बाद में वो सब अंडरग्राउंड टनल के मैप को देखकर बेथ को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। उस टनल में काफी अंधेरा होता है और ये लोग धीरे धीरे आगे चल रहे होते हैं कि तभी इन लोगों को कुछ आवाजें सुनाई देती हैं और आगे ये पता चलता है कि ये आवाज उन्हीं क्रीचर्स की है, जिसके बाद में वो क्रीचर्स इन लोगों पर हमला कर देते हैं। आगे वो लोग अपनी जान बचाकर एक कमरे में आ जाते हैं और वहां से ऊपर जाने
लगते हैं। ऊपर पहुंचकर ही इन लोगों को आर्मी वाले मिल जाते हैं और वो इन लोगों को कैंप में ले आते हैं। इधर दूसरी तरफ मार्लिना की हालत काफी खराब होती जा रही थी क्योंकि उसको एक क्रीचर ने काट लिया था और उसकी नाक से ब्लीडिंग भी होने लगी थी। मे बी ये उन क्रीचर्स के काटने के साइड इफेक्ट्स हैं, यानी कि खाली वो फिजिकली नहीं बल्कि इस तरह से भी काफी डेंजरस हैं। अब मेडिकल टीम यहाँ पर पेशेंट को ले जा ही रही होती है कि तभी उनका सर फट जाता है। ये देखकर तीनों पैनिक करने लगते हैं। तभी आर्मी चीफ इन लोगों के निकलने के लिए हेलीकॉप्टर का इंतजाम करवाते हैं। अब यहाँ पर रॉब बेथ की बात बताता है कि उसे उसको बचाने जाना होगा, लेकिन चीफ उसको मना करते हैं, लेकिन रॉब उनकी बात नहीं मानता तो चीफ उसको जाने देते हैं और ये कहते हैं कि आखिरी हेलीकॉप्टर टेक ऑफ करेगा और उससे पहले तुमको आना होगा क्योंकि हो सकता है कि इस एरिया को बॉम्ब से तबाह करना पड़ेगा क्योंकि इस मॉन्स्टर को हराने का कोई और तरीका नहीं है। रॉब, लिली और हडसन बेथ को बचाने के लिए निकल जाते हैं। तीनों बेथ के अपार्टमेंट के पास पहुंच जाते हैं जहां पर बहुत मुश्किल से ये लोग ऊपर जाते हैं। यहां बेथ काफी बुरी हालत में मिलती है जहां पर उसके पैर दीवार से दब गए थे। वो तीनों उसे वहां से निकालते हैं और वापस उसी जगह पर लौट आते हैं जहां से वो आए थे। अब आगे हमें उस मॉन्स्टर को दिखाया जाता है जहां पर आर्मी उसके ऊपर बॉम्ब फेंक रही होती है, लेकिन उसे उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। अब मॉन्स्टर यहां पर इस शहर को तबाह कर रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ रॉब एंड गैंग टाइम पर पहुंच जाते हैं। अब यहां पर हमको ये दिखाया जाता है कि बेथ, रॉब और हडसन जो होते हैं वो एक हेलीकॉप्टर में जाते हैं और लिली को यहां पर दूसरे चॉपर में बैठा दिया जाता है। हेलीकॉप्टर टेक ऑफ कर जाता है और ऊपर से ये सब मॉन्स्टर को साफ साफ देख पा रहे थे जहां पर उस पर बॉम्बिंग की जा रही थी और आर्मी शायद से उसको आखिरकार मार पाती है। सभी लोग खुश हो जाते हैं कि मॉन्स्टर मर गया, लेकिन वो मरा नहीं होता और वो इन लोगों के हेलीकॉप्टर पर अटैक कर देता है जिसकी वजह से हेलीकॉप्टर क्रैश कर जाता है। अब रॉब इस वजह से एक जगह पर फंस जाता है, लेकिन हडसन और बेथ उसे निकाल लेते हैं और वहां से भागने लगते हैं। वो मॉन्स्टर इन तीनों को देख लेता है और उसी वक्त हडसन अपना कैमरा लेने जाता है। सभी लोग उसको आवाज देते हैं लेकिन वो फिर भी नहीं मानता और मॉन्स्टर उस पर अटैक करके उसको मार देता है। अब ये चीज देखने के बाद में यहाँ पर बेथ और रॉब डर जाते हैं और एक ब्रिज के नीचे छिप जाते हैं। इन दोनों को मॉन्स्टर के चिल्लाने की आवाज आती है जिसकी वजह से बेथ रोने लगती है क्योंकि उसको ऐसा लग रहा था कि अब वो नहीं बचने वाली। रॉब बेथ को समझाने लगता है, लेकिन उसी वक्त वहां पर बॉम्ब गिरता है और सायरन बजने लगता है जहां पर पूरे शहर को बॉम्ब से उड़ाया जा रहा था। तभी रॉब कैमरा पर एक मैसेज रिकॉर्ड करने लगता है कि मेरा नाम रॉब है और आपको ये रिकॉर्डिंग मिलती है तो ये जान लीजिए कि उस मॉन्स्टर ने मेरे भाई और दोस्तों को मार डाला है और अब मैं और मेरी गर्लफ्रेंड भी मारे जाएंगे। और बेथ भी रिकॉर्डिंग करने लगती है, तभी फिर से एक और धमाका होता है और ये दोनों ही मलबे के नीचे दब जाते हैं। रॉब और बेथ एक दूसरे को आई लव यू बोलते हैं और फिर एक और बॉम्ब गिरता है और ये दोनों मारे जाते हैं। अब मूवी के एंडिंग सीन में हमको शुरुआत वाली क्लिप दिखाई जाती है जहां पर रॉब और बेथ कोनी आइलैंड पर गए थे। तो वहां पर हम ये देखते हैं कि कैमरा में एक चीज रिकॉर्ड होती है कि बैकग्राउंड में कुछ आसमान से नीचे गिरता हुआ दिखाया जाता है जो कि सीधा सी में चला जाता है। और यहां पर बेथ ये कहती है कि मेरा दिन काफी अच्छा बीता, यानी कि ये जो भी क्रीचर है वो आसमान से यहां पर आया है और बहुत ही ज्यादा भयानक है। और अब क्रेडिट्स के बाद में हम एक आवाज को सुन पाते हैं, हेल्प अस। लेकिन जब उस क्लिप को रिवर्स में प्ले किया जाता है तो वो ये कहता है कि ये अभी भी जिंदा है, यानी कि द मॉन्स्टर इज स्टिल अलाइव। और बूम, ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।